हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल गपशप विद ईशी। तो आप सब कैसे हैं मेरे फ्रेंड्स? और आज मैं आप लोगों को यहाँ पे जयपुर में बहुत ही प्रसिद्ध एक मंदिर है जो आप लोगों को मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, वहाँ का टूर करवाना चाहती हूँ। वो है गोविंद देव जी का मंदिर जो कि जयपुर में ही स्थित है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं अभी एंट्री कर रही हूँ। वहाँ पे जयपुर राजस्थान का प्रसिद्ध हिंदू धार्मिक स्थल है। भगवान श्री कृष्ण को समर्पित यह मंदिर जयपुर का सबसे प्रसिद्ध बिना शिखर वाला मंदिर है। यह चंद्र महल के पूर्व में बने जन निवास बगीचे के मध्य अहाते में स्थित है। संरक्षक देवता गोविंद जी की मूर्ति पहले वृंदावन के मंदिर में स्थापित थी, जिसको सवाई जय सिंह द्वितीय ने अपने परिवार के देवता के रूप में यहाँ पुनः स्थापित किया था। ये आप देख सकते हैं, हम अभी इस तरीके से एंटर कर रहे हैं यहाँ पे। और एंटर करने के साथ ही आपके बिल्कुल बाजू में जूते चप्पल रखने का एक स्थान बना हुआ है, वहाँ पर आप अपने जूते चप्पल उतार सकते हैं। और जयपुर के पारकोटा इलाका में सिटी पैलेस परिसर में गोविंद देव जी का मंदिर स्थित है। गोविंद देव जी जयपुर के आराध्य देव है। शहर के राजमहल सिटी पैलेस के उत्तर में स्थित गोविंद देव जी मंदिर में प्रतिदिन हजारों की संख्या में भक्त आते हैं। गोविंद देव जी राज परिवार के भी दीवान अर्थात मुखिया स्वरूप है। जन्माष्टमी के अवसर पर यहाँ लाखों की संख्या में भक्त भगवान गोविंद के दर्शन करते हैं। गोविंद देव जी का मंदिर चंद्र महल गार्डन से लेकर उत्तर के ताल कटोरे तक विशाल परिसर में फैला हुआ है। साथ ही यहाँ हाल में ही निर्मित सभा भवन को गिनीज बुक में भी स्थान मिला है। मंदिर की संरचना के बारे में मैं आपको बता दूं, यह सबसे कम खंभों पर टिका सबसे बड़ा सभागार है। बड़ी चौपर से हवा महल मार्ग से दरवाजे के अंदर स्थित जलेबी चौक के उत्तर दरवाजे से गोविंद देव जी मंदिर परिसर में प्रवेश होते हैं। इस दरवाजे से एक रास्ता कंवर नगर की ओर निकलता है। रास्ते के दाई और गौड़ीय संप्रदाय के संत चैतन्य महाप्रभु का मंदिर भी है। बाएं हाथ की ओर हनुमान राम दरबार शिवालय व माता के मंदिर के साथ एक मस्जिद भी है। बाएं हाथ की ओर गोविंद देव जी मंदिर में प्रवेश करने के लिए विशाल दरवाजा है। यहाँ मेटल डिटेक्टर स्थापित किए गए हैं और साथ ही साथ यहाँ से विशाल त्रिकोण द्वार से मंदिर के मुख्य परिसर में जाने का रास्ता है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ के दीवारों में भी कितना सुंदर भव्य काम किया गया है। पिया पति मैं करूँ आरती तेरी, वहाँ पे एक अलग ही पॉजिटिविटी और बहुत ही बली बली नजारा था। सभी लोग मग्न होकर के भगवान के नामकरण में तेरी गुण गाऊं मैं, प्रेम में रंगी मैं रंगी भक्ति में तेरी, हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी। ये माटी का तन है तेरा, मन और प्राण भी तेरे है। मैं गोपी तुम हो कन्हैया मेरे भगवन, कृष्ण 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 करे आत्मा मेरी, हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 राम। कान्हा तेरा रूप अनुपम, मन को हरता जाए, मन ये चाहे हर पल अखियां
तेरे दर्शन पाए। हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी। तुझ पे उकारा बलि बलि जाऊं मैं सांझ सवेरे, तेरे गुण गाऊं मैं। हो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि आप गोविंद देव जी के मंदिर जयपुर में और क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ का प्रमुख ये बेसिकली धार्मिक केंद्र है, जिसके आसपास कम से कम 20 मंदिर है। आप गोविंद देव जी मंदिर के साथ साथ अन्य मंदिर भी घूम सकते हैं। दूसरा, गोविंद देव जी की मंदिर में आयोजित होने वाले भजन कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकते हैं। तीसरा, यदि आप गोविंद देव जी मंदिर घूमने जा रहे हैं तो आप वहां के जनता बाजार, तिब्बत मार्केट और त्रिपोलिया बाजार में खरीदारी के लिए एक मज़ेदार अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। गोविंद देव जी मंदिर श्रद्धालुओं के लिए प्रतिदिन सुबह 4:30 से रात 9:30 बजे तक खुला रहता है, लेकिन हम आपको बता दें कि यहाँ पूजन और दर्शन के समय अलग अलग होते हैं। और अभी आप देख सकते हैं सांझ का समय हो चुका है और हम मंदिर परिसर से बाहर निकल रहे हैं, और आप यहाँ पे साथ ही देख सकते हैं आसमान बिल्कुल ही गुलाबी रंग से भरा पड़ा है, बिल्कुल गुलाबी है आसमान। तो बिल्कुल सही ही कहते हैं कि जयपुर गुलाबी शहर है, क्योंकि ये इसकी जो छठी जो दृश्य है वो बिल्कुल गुलाबी गुलाबी है। ये मैंने कैमरे से इस दृश्य को भी लेने की कोशिश की है, आप देख सकते हैं। और गोविंद देव जी के मंदिर के आरती का अलग अलग सब कुछ टाइम टेबल है। मंगल आरती जैसे सुबह 4:30 से 5 बजे तक होती है। धूप आरती सुबह 7:30 से 8:45 तक होती है। श्रृंगार आरती सुबह 9:30 से 10:15 बजे तक होती है। राजभोग आरती दोपहर 11:00 से 11:30 बजे तक होती है। ग्वाल आरती शाम 5:45 से 6:15 बजे तक होती है। संध्या आरती शाम 6:45 से 8 बजे तक होती है। और शयन आरती रात्रि 9:00 से 9:30 तक होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पासी में एक बाजार था, जहाँ पे गोविंद जी के अलग अलग वस्त्र, गोविंद जी या उनके साज श्रृंगार का हर चीज़ यहाँ पे मिल रहा था। तो मैं वही यहाँ पे देख रही हूँ क्या क्या अवेलेबल है, क्या रेट है, और आगे मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैंने यहाँ से क्या क्या परचेज किया है और क्या उसका दाम था। और आपको बता दूँ कि गोविंद देव जी के मंदिर में प्रवेश और गोविंद देव जी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का कोई भी किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना होता है। ये यहाँ पे आप बाजार में देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तादाद में उनके शयन कक्ष, उनके श्रृंगार, गोविंद देव जी के अलग अलग भांति के बहुत सारे चीज़ अवेलेबल थे। आप वहाँ से देख करके ले सकते हो, और बहुत ज़्यादा मीन्स महंगा भी नहीं था। मुझे ऐसा पर्सनली फील हो रहा था कि मैं वृंदावन के शहर में आ चुकी हूँ। वहाँ पे भी इसी तरीके का मेला लगता है, इस तरीके के बाजार है, मूर्ति और मूर्तियों से रिलेटेड हर चीज़, उनके कॉस्ट्यूम्स, उनके किताब हो गए, और भी जो भी चीज़ पूजा पाठ में लगता है वो सब यहाँ पे भरे पड़े थे। आगे चलने पर इस मंदिर पे जो कार्यालय ठिकाना गोविंद देव जी के है, यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि गोविंद देव जी के प्रसिद्ध मोदक प्रसाद मिलते हैं, जो कि सुशुल्क व्यवस्था है।
ये 80 रुपीस। और अब मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैंने क्या क्या वहाँ से खरीदा है। बना हुआ है, मोती लगा हुआ है, और इसका जो ये बांसुरी का जो ये स्टिक है इसमें भी काम किया हुआ है, आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर है। दूसरा जो मैंने लिया है इस तरीके से ठाकुर जी के लिए मैंने ये एक बैग लिया है, इस पर आप देख सकते हैं ये इस तरीके से ठाकुर जी के सोने के लिए है। ये एक छोटा सा पिलो है भगवान जी का, और साथ में ये चादर है भगवान जी को ओढ़ने के लिए, ये आप देख सकते हो। ये भी बहुत प्यारा सा है, खूबसूरत है। इसका जो दाम है ये 50 रुपीज का है। अलग अलग रेट्स के भी थे, 100 के भी थे, 20 का भी था। और ये एक मैंने एक दुर्गा चालीसा लिया है, ये मैं अपने मंदिर में स्थापना करने वाली हूँ, रखने वाली हूँ। और साथ में ये एक मैंने माला लिया है, ये 30 रुपीज का है। तो यही था आज का मेरा शॉपिंग। आप लोगों को अगर अच्छा लगा मेरा ये वीडियो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं मेरे इस चैनल में तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। बाय बाय फ्रेंड्स।